बड़ी हाउ आर यू, होप यू विल बी फाइन। मैं हूँ रंजना वाघमारे, स्वागत करती हूँ आपका हमारे सबके यूट्यूब चैनल रायशी क्लासेस में। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ वो साइंस 8th का चैप्टर नंबर 5, इसका जो है इनसाइड द एटम का हम लास्ट पार्ट यहाँ पर देख रहे हैं। इसके पहले मैंने 3 जो पार्ट है वो डाल दिए हैं यूट्यूब पे चैनल में। तो आपको क्या करना है, अगर ये इसके 3 वीडियोज अगर देखने हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, चैनल को लाइक करना पड़ेगा, शेयर करना पड़ेगा और सब्सक्राइब करना पड़ेगा। ऑल बेल एटम को जो है क्लिक करना पड़ेगा, जिससे कि आपको सारे नोटिफिकेशन मिल जाएंगे और आगे आने वाले सभी वीडियोज भी जो है आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो इसका जो है ये लास्ट पार्ट जो है हम अब शुरू कर रहे हैं। तो इसमें जो है हमने पहले 3 वीडियो में क्या क्या देखा था कि एटम क्या है, फिर एटम पे जो है एक्सपेरिमेंट हुए थे जो डाल्टन एटॉमिक थियोरी के नाम से भी जो एक्सपेरिमेंट आया था जो डाल्टन ने दिया था। देन सेकंड जो है साइंटिस्ट थॉम्सन जो है उन्होंने पल्प पुडिंग मॉडल से जो है एटम को डिस्क्राइब किया था, ये भी हमने देखा था। नेक्स्ट रदरफोर्ड जो है उन्होंने एक न्यूक्लियर मॉडल दिया था अब एटम का स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट के द्वारा, तो उसमें भी जो है उन्होंने एटम के बारे में जो है डिस्कस किया था। देन जो है हमने क्या देखा था कि बोहर स्टेबल ऑर्बिट एटॉमिक मॉडल देखा था, उन्होंने भी जो है एटम के बारे में जो है डिस्क्राइब किया था। और इनका सभी जो एक्सपेरिमेंट है इन सब का जो है एक फंडामेंटल प्रिंसिपल जो है सामने आया एटॉमिक स्ट्रक्चर, तो उसमें जो है एटॉमिक स्ट्रक्चर को डिस्क्राइब किया गया जिसमें न्यूक्लियस और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बारे में जो है एटम के जो पार्ट है उसके बारे में हमने पढ़ा। उसका जो एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट है इलेक्ट्रॉन उसके बारे में भी जो है हमने डिटेल में पढ़ा। देन जो है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन किस तरह से किया जाता है, उसके जो 4 शेल होते हैं KLMN उसके बारे में जो है डिटेल हमने लिया था। देन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एलिमेंट कैसे निकाला जाता है उसका टेबल में जो है हमने एक टेबल बनाया, ये बनाने के लिए आपको बताया गया था, कुछ मैंने बताए थे आपको बनाना था। देन वैलेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो हमने पढ़ा, वैलेंसी कैसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के द्वारा हमें बताई ली जाती है उसके बारे में हमने पढ़ा। तो उसके बाद में जो है हमने एक टेबल जो है एक्सप्लेन किया था जिसमें कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और उसकी नंबर ऑफ वैलेंसी जो है कैसे निकाली जाती है वो बताया था। और अब जो है हम उसके बाद में भी 2 टेबल जो है हमने लिए थे जिसमें कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है आउटर मोस्ट शेल में कैसे डिफाइन करते हैं देखा था। देन हमने एलिमेंट के हिसाब से जो है उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखना है, उसके नंबर ऑफ वैलेंसी वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने होते वो बताने थे और उसकी वैलेंसी क्या है वो लिखना था। तो यहाँ तक हमने पढ़ लिया था और अब जो है हम इसका लास्ट पार्ट देख रहे हैं आइसोटोप्स। ओके, सो द एटॉमिक नंबर इज अ फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ एन एलिमेंट एंड इट्स केमिकल आइडेंटिटी। एटॉमिक नंबर जो है ये एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी है एलिमेंट्स की जिससे कि उसका केमिकल आइडेंटिटी जो है पता चलती है हमको। सम एलिमेंट्स इन नेचर हैव एटम्स विथ सम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। कुछ जो एलिमेंट्स है इन नेचर जो है हैव एटम्स विथ सम एटॉमिक नंबर, उस कुछ एटॉमिक नंबर्स होता है बट उसका मास जो है वो डिफरेंट होता है। ओके, सच एटम ऑफ द सेम एलिमेंट हैविंग डिफरेंट मास नंबर आर कॉल्ड आइसोटोप। तो ऐसे जो एलिमेंट है जिसका कि जो मास नंबर जो है डिफरेंट होता है, ऐसे जो एटम्स है जिसका सम एलिमेंट्स का जिसका डिफरेंट मास नंबर होता है वही उसको क्या कहा जाता है, आइसोटोप्स कहा जाता है। फॉर एग्जांपल कार्बन हैज़ 3 आइसोटोप, जैसे कि कार्बन जो है उसके 3 आइसोटोप्स है, मतलब इसका जो मास है वो मास नंबर जो है वो डिफरेंट है। तो इसका कार्बन का जो है 3 आइसोटोप्स होते हैं उसमें, कार्बन 12, कार्बन 13, कार्बन 14। ओके, द मास नंबर ऑफ द आइसोटोप इज ऑल्सो
रिप्रेजेंटेड बाय अनादर मेथड, और मास नंबर को जो है दूसरी तरह से भी जो है उसको डिनोट किया जाता है, जैसे सी और उसके सिर के ऊपर जो है 12 लिखा गया है, सी 13 देन सी 14, ठीक है। तो इस तरह से भी इसको डिनोट किया जाता है। द आइसोटोप हैव सम प्रोटॉन नंबर बट डिफरेंट न्यूट्रॉन नंबर। ये ऐसे आइसोटोप्स हैं, मतलब ऐसे एलिमेंट है जिसका जो है प्रोटॉन नंबर और न्यूट्रॉन नंबर अलग अलग है, ठीक है। ये समझ में आया आपको? तो ये जो है एक टेबल दिया हुआ है कार्बन का, जो है जो आइसोटोप्स दिया हुआ है कितना दिया है 12, जैसे कि कार्बन का यहाँ पे आइसोटोप्स दिया है 12, ठीक है। तो मास नंबर जो है इसको ए से डिनोट किया गया है, तो मास नंबर क्या है उसका 12 है, ठीक है। प्रोटॉन नंबर जो है जेड से डिनोट किया जाता है, वो एटॉमिक नंबर यानी इसका कितना है 6 है, ठीक है। और न्यूट्रॉन नंबर जो है इसको निकालना है, न्यूट्रॉन नंबर यानी एन, ए माइनस जेड, ए जो है 12 है और जेड जो है 6 है, 12 माइनस 6 इज इक्वल टू हाउ मच 6 आएगा, ठीक है। तो वैसे ही दूसरा जो कार्बन का आइसोटोप है 13 है, उसका मास नंबर 13 है, तो इसको कैसे निकालेंगे, प्रोटॉन नंबर जो है प्रोटॉन कितने इसमें 6 है, मालूम है आपको, तो इसको कैसे निकाला जाएगा 13 माइनस 6 इज इक्वल टू 7 आएगा, ठीक है। नेक्स्ट थर्ड आइसोटोप है सी 14, 14 मतलब 6 6 है इसका कार्बन का प्रोटॉन नंबर, तो 14 माइनस 6 जो है कितना 8 आता है, ठीक है। तो इस तरह से जो है ये न्यूट्रॉन नंबर जो है हम निकाल सकते हैं इसके, मतलब प्रोटॉन दिया है तो न्यूट्रॉन, प्रोटॉन मालूम है तो न्यूट्रॉन हम निकाल सकते हैं उसके आइसोटोप के जरिए, ठीक है। कलेक्ट इन्फॉर्मेशन, यहाँ पे जो है हाइड्रोजन हैज 3 आइसोटोप, हाइड्रोजन का एग्जांपल दिया है, उसके 3 आइसोटोप्स है, दे हैव सेपरेट नेम्स हाइड्रोजन ड्यूटेरियम एंड ट्रिटेनियम। इसको जो है सेपरेट नेम से डिनोट किया है, हाइड्रोजन ड्यूटेरियम एंड ट्रिटियम, दो यहाँ पे दो आते हैं, ड्यूटेरियम इज 2 एंड ट्रिटेनियम इज 3। फाइंड आउट देयर मास नंबर, अभी हम क्या करना निकालना है इसमें मास नंबर निकालना है। कलेक्ट इन्फॉर्मेशन अबाउट व्हाट इज हैवी वाटर फ्रॉम इंटरनेट, इसको जो है इंटरनेट से भी जो है आप पता कर सकते हो, ठीक है। ये आए समझ में? नेक्स्ट यूज ऑफ अ आइसोटोप, ये बहुत इंपॉर्टेंट है इस लेसन में। तो आइसोटोप्स का जो है यूजेस क्या है, आइसोटोप्स ऑफ सम एलिमेंट्स आर रेडियो एक्टिव, ये जो आइसोटोप्स है इसके जो सम एलिमेंट्स जो है रेडियो एक्टिव होते हैं, सो दे आर यूज इन अ वेरियस फील्ड सच एज इंडस्ट्री, इसीलिए इसको इंडस्ट्री में यूज किया जाता है, एग्रीकल्चर में, मेडिसिन में और रिसर्च फील्ड में जो है आइसोटोप्स का यूज होता है, ठीक है। यूरेनियम 235 इज यूज फॉर न्यूक्लियर फीजन, ये यूरेनियम 235 जो है ये किस कहाँ पर यूज होता है, न्यूक्लियर फ्यूजन में एंड प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, और इससे जो है इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है, मतलब ये जो इलेक्ट्रिकल जो ये होते हैं फैक्ट्रीज उसमें जो है यूरेनियम 235 का यूज होता है। सम रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स लाइक कोबाल्ट है, कुछ जो रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स है जैसे कि कोबाल्ट 60 है, आर यूज इन अ मेडिकल ट्रीटमेंट ऑफ अ फेटल डिसीजेस लाइक कैंसर, मतलब ये कैंसर में जो है लोग मर जाते हैं, तो ऐसे डिसीज में जो है कोबाल्ट 16 आइसोटोप का जो है यूज होता है, जो आपको देन सेकंड नेक्स्ट है आयोडीन है 131 इज यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ अ गॉयटर, ये जो डिसीज है डिसीज ऑफ अ थायराइड ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड के डिसीज में भी जो है आयोडीन 131 जो है का यूज किया जाता है, ठीक है। द रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स आर यूज फॉर डिटेक्शन ऑफ क्रैक्स इन द अंडरग्राउंड पाइप, अंडरग्राउंड पाइप में अगर कुछ क्रैक्स आए हैं, जहाँ पे भी क्रैक्स है या लीकेज है, तो ये रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स का जो है यूज़ किया जाता है और उससे वो फाइंड आउट किया जाता है, समझ में आ जाता है, ठीक है। उससे एग्जांपल है सोडियम 24, ये जो है रेडियो एक्टिव आइसोटोप है जो क्रैक्स और जो लीकेज है उसको फाइंड आउट करने में यूज़ होता है। रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स आर यूज्ड फॉर फूड प्रिजर्वेशन फ्रॉम माइक्रोब्स,
ये रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स और कहाँ पर यूज होते हैं, फूड प्रिजर्वेशन में, फ्रॉम माइक्रोब्स, जो फूड को प्रिजर्व किया जाता है फ्रॉम माइक्रोब्स से, जो उसको मतलब प्रोटेक्ट किया जाता है, तो वहाँ पर भी जो है रेडियो एक्टिव आइसोटोप यूज किए जाते हैं। द रेडियो एक्टिव आइसोटोप C14 इज यूज फॉर डिटरमाइनिंग द एज ऑफ आर्कियोलॉजिकल ऑब्जेक्ट, मतलब आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट जो खुदाई करता है और जो उनको चीज़ें मिलती है तो वो कितने साल पुरानी है, ये अगर हमको पता करना है तो ये रेडियो एक्टिव आइसोटोप से C14 भी यूज़ किया जाता है और उसका एज जो है हमको पता चल जाता है, मतलब कितने साल पुराना है वो हम पता कर सकते हैं। तो ऐसे जो ये यूजेस है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपको लर्न करना है, ठीक है। नेक्स्ट, न्यूक्लियर रिएक्टर। न्यूक्लियर रिएक्टर इज अ मशीन दैट जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। न्यूक्लियर रिएक्टर क्या है, एक मशीन है दैट क्या करती है, ये इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करती है ऑन अ लार्ज स्केल बाय यूजिंग एटॉमिक एनर्जी। मतलब ये जो है बहुत लार्ज स्केल में जो है इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करती है बाय यूजिंग, इसमें क्या यूज़ होता है, एटॉमिक एनर्जी जो है यूज़ होती है, ठीक है। तो यहाँ पे 5.10 जो पिक्चर दिया है न्यूक्लियर रिएक्टर, ये दिख रहा है न्यूक्लियर रिएक्टर, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर मुंबई में है। तो यहाँ पे जो है ये बहुत लार्ज पैमाने पे जो है एटॉमिक इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाती है और ये पूरे मुंबई शहर को जो है इलेक्ट्रिसिटी मिलती है। इन अ न्यूक्लियर रिएक्टर द न्यूक्लियर एनर्जी इन एटम इज रिलीज्ड बाय ब्रिंगिंग अबाउट न्यूक्लियर रिएक्शन ऑन द न्यूक्लियर फ्यूल। तो न्यूक्लियर फ्यूल से जो है जो इसको न्यूक्लियर फ्यूल से इसका रिएक्शन होता है न्यूक्लियर रिएक्टर का, और जो है एक बहुत न्यूक्लियर रिएक्टर द न्यूक्लियर एनर्जी इज एटम इज रिलीज, उससे जो है न्यूक्लियर एनर्जी है जो है एटम की वो रिलीज होती है, ठीक है, न्यूक्लियर फ्यूल से रिएक्ट करने के बाद में। सो लेट अस अंडरस्टैंड अ न्यूक्लियर रिएक्शन विद एग्जांपल ऑफ अ न्यूक्लियर फ्यूल नेमली यूरेनियम। अब इसका जो एग्जांपल है न्यूक्लियर रिएक्टर का न्यूक्लियर फ्यूल के साथ में जो रिएक्शन होता है तो ये है यूरेनियम 235। ओके, ऑन बम्बार्डमेंट विद स्लो स्पीड ऑफ अ न्यूट्रॉन द न्यूक्लियस ऑफ द आइसोटोप यूरेनियम 235 अंडरगोज न्यूक्लियर फ्यूजन टू फ्रॉम न्यूक्लियाई ऑफ टू डिफरेंट एलिमेंट्स क्रिप्टॉन 92 एंड ब्योरॉन बैरियम 141 एंड 2 to 3 न्यूट्रॉन्स। ओके, ये समझ में आया आपको। तो ये जो है यूरेनियम द बम्बार्डमेंट जो है ऑफ विथ स्लो स्पीड ऑफ अ न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन का स्लो स्पीड से जो है बम्बार्डमेंट होता है द न्यूक्लियस ऑफ द आइसोटोप यूरेनियम, यूरेनियम 235 का जो न्यूक्लियस है उसमें जो है न्यूट्रॉन का जो है स्लो स्पीड से जो है बम्बार्डमेंट होता है जिससे कि न्यूक्लियर का फ्यूजन होता है टू फॉर्म, फिर क्या फॉर्म होता है, न्यूक्लियाई ऑफ टू डिफरेंट एलिमेंट, उसमें जो है टू डिफरेंट न्यूक्लियाई जो है फॉर्म होते हैं दैट इज क्रिप्टॉन 92 एंड बैरियम 141 और एंड 2 to 3 न्यूट्रॉन्स, और 2-3 जो है न्यूट्रॉन्स तैयार हो जाते हैं 2 to 3 ऑन डिक्रीजिंग द स्पीड। जैसे ही स्पीड इसकी डिक्रीज होती है दिस न्यूट्रॉन्स ब्रिंग्स अबाउट फ्यूजन ऑफ मोर U2 यूरेनियम 235। जैसे ही जो है इसकी स्पीड स्लो होती है, डिक्रीजिंग स्पीड होती है उसकी, तो न्यूट्रॉन्स जो है फ्यूजन करते हैं यूरेनियम 235 न्यूक्लियाई से। इन दिस वे अ चेन, मतलब बार बार ये प्रोसेस होते रहता है, जैसे ही जो है उसकी स्पीड डिक्रीज होती जाती है वो फिर से न्यूट्रॉन्स से जो है यूरेनियम 235 के न्यूक्लियाई से फ्यूजन करते जाता है। इन दिस वे a chain reaction of a nuclear fusion takes place, इससे जो है एक chain reaction जो है तैयार होता है, a large amount of nuclear energy is released during a chain reaction of a fusion, और ये जब
और फ्यूजन होते जाता है, मतलब ये चैन जो शुरू होती है इससे जो है लार्ज अमाउंट ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी जो है उससे रिलीज होते रहती है, ठीक है। सो द चैन रिएक्शन इज केप्ट अंडर कंट्रोल, और ये जो चैन रिएक्शन होते रहती है उसको अंडर कंट्रोल में किया जाता है, क्योंकि अगर कुछ भी ज़्यादा कम हो जाता है तो एक्सप्लोजन हो सकता है बहुत बड़ा, और मुंबई शहर जो है उसका दुष्परिणाम जो है उनको हो सकता है। तो इसीलिए जो है वहाँ पे बहुत ही मतलब कंट्रोल करके जो है, और बहुत सारे लोग होते हैं काम करने के लिए वहाँ पे, वो कंट्रोल करके वो काम करते हैं, मतलब बहुत सारे लोग उसको कंट्रोल करते रहते हैं। ओके, सो प्रिवेंट अ प्रोबेबल एक्सप्लोजन, मतलब एक्सप्लोजन नहीं होना चाहिए इसलिए वो कंट्रोल करते रहते हैं। द कंट्रोल टू कंट्रोल द चैन रिएक्शन इन द न्यूक्लियर रिएक्टर इट इज़ नेसेसरी टू डिक्रीज द स्पीड। ये चैन रिएक्शन जो होते रहती है न्यूक्लियर रिएक्टर की, ये क्यों नेसेसरी होती है, क्योंकि उसकी स्पीड को जो है डिक्रीज करना होता है, एंड नंबर डिक्रीज द स्पीड एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, उसके नंबर ऑफ न्यूट्रॉन जो है कम करना पड़ता है और उसकी जो स्पीड भी है उसको डिक्रीज करना पड़ता है। फॉर दिस पर्पज द फॉलोइंग प्रोविजन इज मेड इन अ न्यूक्लियर रिएक्टर, और इसके लिए जो है न्यूक्लियर रिएक्टर जो है काम करता है, ठीक है। नेक्स्ट यू सी मॉडरेटर, यहाँ पे जो एक पिक्चर दी हुई है ये दिख रहा है आपको, जो है चेन रिएक्शन होते रहती है यहाँ पे, एक से दो, दो से फिर दो और निकल रहे हैं, दो फिर इससे दो निकलेंगे, इस तरह से जो है ये चेन रिएक्शन होते रहती है और इसको कंट्रोल किया जाता है, ठीक है, समझ में आ गया ये। नेक्स्ट मॉडरेटर, मॉडरेटर क्या है, ग्रेफाइट्स आर हैवी वाटर इज यूज एज मॉडरेटर फॉर रिड्यूसिंग द स्पीड ऑफ न्यूट्रॉन। ग्रेफाइट जो है, जो सेल में वगैरह यूज करते हैं आपको मालूम है, ये ग्रेफाइट जो है या फिर हेवी वाटर में यूज होता है, इज यूज एज अ मॉडरेटर, ये एक मॉडरेटर के तरीके से कैसे यूज करते हैं इसको, किस लिए, फॉर रिड्यूसिंग स्पीड ऑफ अ न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन की स्पीड को रिड्यूस करने के लिए इसका यूज किया जाता है, ठीक है। कंट्रोलर, फिर कंट्रोलर क्या है, टू रिड्यूस द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन के नंबर जो है रिड्यूस करने के लिए जो है बाय एब्जॉर्बिंग देम रॉड ऑफ अ बोरॉन कैडमियम बेरिलियम एटसेट्रा आर यूज एज कंट्रोलर। मतलब ये जो है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन जो है रिड्यूस करने के लिए कुछ रॉड जो है बोरान कैडमियम और बेरिलियम के रॉड उसमें डाले जाते हैं, जिससे कि ये एब्जॉर्ब करते हैं न्यूट्रॉन को, आर यूज एज ये कंट्रोलर करके यूज किए जाते हैं। द हीट प्रोड्यूसिंग इन द फ्यूजन प्रोसेस इज टेकन आउट बाय यूजिंग वाटर एज कूलेंट, और ये जो हीट प्रोड्यूस होती है इन द फ्यूजन प्रोसेस, ये फ्यूजन प्रोसेस जो हमने देखा ऊपर, उसमें जो हीट प्रोड्यूस हो रही है इसको जो है टेकन आउट बाय यूजिंग वाटर एज कूलेंट, तो इसको कूल करने के लिए जो है वाटर यूज किया जाता है। वाटर इज ट्रांसफॉर्म इनटू स्टीम, और वाटर जो है जब गर्म इस पे हम वाटर डालेंगे तो स्टीम निकलती है उसमें से, सो बाय मीन्स ऑफ दिस स्टीम टर्बाइन्स आर ड्राइवन एंड इलेक्ट्रिसिटी इज जनरेट, तो जो स्टीम निकलती है उसमें से उसमें जो है टर्बाइन्स आर ड्राइवन, टर्बाइन्स को यूज किया जाता है और इलेक्ट्रिसिटी जो है उससे फिर जनरेट होती है, ठीक है। इन इंडिया टोटल 22 न्यूक्लियर रिएक्टर इन 8 प्लेसेस आर फंक्शनिंग, हमारे इंडिया में टोटल जो है 22 न्यूक्लियर रिएक्टर जो है 8 प्लेसेस पे काम कर रहे हैं, उसमें जो एक है अप्सरा है एट भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर इन मुंबई में है इन द फर्स्ट न्यूक्लियर रिएक्टर ऑफ इंडिया, और ये जो है अप्सरा फर्स्ट न्यूक्लियर रिएक्टर इन इंडिया है, ये जो है फर्स्ट न्यूक्लियर रिएक्टर है जो भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर मुंबई में काम हो रहा है, यूज किया जा रहा है। विच वेंट क्रिटिकल ऑन 4th अगस्त, ये जो है 4th अगस्त 1956 से उसका यूज किया गया। इंडिया हैज लार्ज रिजर्व ऑफ द एलिमेंट थोरियम 232, और इंडिया जो है लार्ज रिजर्व जो है एलिमेंट थोरियम 232 का है,
ठीक है. देयरफॉर इंडियन साइंटिस्ट हैव डेवलप अ फ्यूचर प्लान फॉर न्यूक्लियर रिएक्टर. इसीलिए जो है ये थोरियम 230 थ्रू जो है हमारे इंडिया में लार्ज पैमाने पे निकाला जा रहा है. सो देयरफॉर इंडियन साइंटिस्ट जो है हैव डेवलप अ फ्यूचर प्लान, उन्होंने बहुत सारे फ्यूचर प्लान डेवलप करके रखे हैं फॉर न्यूक्लियर रिएक्टर बेस्ड ऑन प्रोडक्शन ऑफ द आइसोटोप यू 233 फ्रॉम थोरियम 232 से. थोरियम 232 से जो है बहुत सारे आइसोटोप बनाने का उनका प्लान है फ्यूचर में, U-23 जैसे. ठीक है. सो दिस इज द एंड ऑफ दिस लेसन. मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये लेसन पूरा समझ में आ गया होगा. और आपको अगर इसके एक्सरसाइज में कुछ भी प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो और पूछ सकते हो, कभी भी पूछ सकते हो. ठीक है. तो आपको अगर ये वीडियो पसंद आ रहा है, इसके 3 पार्ट हमने पहले ही दिए थे और ये 4th पार्ट लास्ट पार्ट है, तो आपको वो भी जो है देखना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, उस चैनल को लाइक करना पड़ेगा, शेयर करना पड़ेगा और सब्सक्राइब करना पड़ेगा, जिससे कि आपको बेल बटन को दबाना पड़ेगा, जिससे आपको सभी जो है नोटिफिकेशन मिल जाएंगे और इसके सभी पार्ट्स भी आपको और इसके पहले के जो लेसन्स है वो भी मिल जाएंगे. और इसको जो है आपको अपने दोस्तों को भी बताना है और इसे सब्सक्राइब करने के लिए बताना है. सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. होप यू लाइक दिस वीडियो. हैव अ नाइस डे.